हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, हम लोग जान रहे हैं कोशिका, यह जो चैप्टर हमारा चल रहा है कोशिका, और कोशिका के बारे में हम लोगों ने कुछ बातें समझी थी कि कोशिका का खोज कैसे हुआ, कोशिका की संरचना के बारे में हम लोगों ने जाना था, और पिछले क्लास में हमने आपको कोशिका झिल्ली के बारे में बताया हुआ था। आज की क्लास में हम आपको बताएंगे कोशिका भित्ति के बारे में। किसके बारे में? कोशिका भित्ति, क्योंकि यह एक बहुत महत्वपूर्ण संरचना हो जाती है कोशिका भित्ति की, क्योंकि कोशिका के अंदर बहुत सारे ऐसे मटेरियल होते हैं जिनकी सुरक्षा करने की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन हमारी बॉडी, गर्मी के दिन आता है तो हल्के कपड़े पहन लेते हैं, ठंडी के दिन आता है तो मोटे कपड़े पहनते हैं। लेकिन जरा सोचिए कि जो पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे ना गर्मी में उन्हें कपड़े मिलते हैं ना ठंडी में मिलते हैं, फिर उनकी बॉडी कैसे रहती है? तो उन्हीं सभी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए उनके ऊपर एक विशेष प्रकार की परत होती है उनकी कोशिकाओं पर, जिसे हम लोग कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं। तो हम लोग आज जानेंगे किसके बारे में? कोशिका भित्ति के बारे में, जिसे इंग्लिश में सेल वाल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल वाल। क्लियर? सेल वाल कहते हैं। तो देखिए, सेल वाल के अंदर, अब ध्यान से समझिए कि कहता है कि सेल वाल, सेल का मतलब कोशिका, और वाल का मतलब क्या होता है कि दीवार, दीवार। तो समझिए क्या हो गया, जो कोशिका की दीवार बन जाए, जो कोशिका को ढकने वाला बन जाए, तो वह कोशिका की दीवार हमारी क्या कहलाएगी? कोशिका भित्ति। तो जरा सोचिए कि कोशिका की या किसी भी चीज की दीवार बनाने की आवश्यकता कब पड़ती है? जनरली जो चीजें को ज्यादा सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है उनके लिए हम लोग दीवार बनाते हैं। जैसे एक रूम के अंदर एक साइड हमने बुक रखा है और एक तरफ हमने अपना लैपटॉप रखा है, उन दोनों के बीच में दीवार थोड़े ना बनाते हैं, दीवार नहीं बनाते हैं। लेकिन एक बिल्डिंग बनाने के लिए, घर बनाने के लिए चारों तरफ से दीवार बनाते हैं, ताकि बाहरी रूप से कोई अनजान लोग या फिर अवांछित लोग हमारे घर के अंदर प्रवेश न करें, तो वहां पे वाल बनता है। तो वैसे ही पौधों को बाहरी चीजों से सुरक्षा चाहिए। धूप है तो धूप से सुरक्षा चाहिए, ठंडी है तो ठंडे से, बरसात है तो बरसात से। तो इन सभी छुटकारा पाने के लिए जो पेड़ पौधे होते हैं, सिर्फ उन्हीं में कोशिका झिल्ली के बाहर एक और परत रहती है, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? कोशिका भित्ति। मतलब क्या? कोशिका झिल्ली के बाहर की संरचना है यह कोशिका भित्ति जो है, कोशिका बिल्ली, कोशिका झिल्ली के बाहर की संरचना, कोशिका झिल्ली के बाहर की संरचना है, बाहर की संरचना है। अब जरा गौर कीजिएगा, जब कोशिका झिल्ली के बाहर की संरचना होगी तो कंफर्म है कि ये क्या करेगी? कोशिका की सुरक्षा देगी। ये क्या करेगी? कोशिका को सुरक्षा देगी। क्लियर? तो कोशिका को सुरक्षा अलग अलग रूप में देगी। धूप है तो धूप से सुरक्षा मिलेगा, सर्दी है तो आपकी ठंड से छुटकारा मिलेगी, बरसात है तो पानी से छुटकारा मिलेगी। तो इन सभी चीजों से बचने के लिए कोशिका के ऊपर एक परत होती है, जिसे हम लोग सेल वाल या कोशिका भित्ति जानते हैं। इनके बारे में खास ये है कि यह सिर्फ पादप ऊतक के अंदर ही पाया जाता है, यानी पादप कोशिका में ही पाया जाता है, यह मानव शरीर के कोशिकाओं में नहीं पाया जाता, इसे ध्यान रखेंगे आप। अब बात आती है कि मान लीजिए कि यह दीवाल है और यह मान लीजिए कि कोशिका भित्ति है, तो कोशिका भित्ति की दीवार की बात कर लेते हैं हम लोग। कोशिका भित्ति की बाहर की बात कर लेते हैं हम लोग, तो बाहर दीवार है 3 लेयर का, बाहर कितनी लेयर का दीवार है आपका? 3 लेयर का। क्लियर? तो ये 3 लेयर की दीवार है, तो ये तीनों लेयर को हम कहते हैं कि सबसे एक होता आंतरिक वाला भाग हो गया, सबसे अंदर वाला हिस्सा, उसे क्या कहेंगे? आंतरिक सबसे, ठीक है, या अर्थात प्राथमिक कहेंगे, प्राथमिक। ये क्या हो जाएगा? मध्य, मध्य वाला। और सबसे बाहरी जो होता है उसे हम लोग कहते हैं द्वितीयक,
द्वितीयक परत। तो कुल कितने परत हो गए? तीन परत हो गए। एक प्राथमिक सबसे अंदर वाला, बीच वाला परत को हम क्या कहेंगे? मध्य परत। और सबसे बाहर वाले परत जो होंगे उसे क्या कहेंगे? द्वितीयक परत कहेंगे। तो सबसे जो अंदर वाला पार्ट है वह किसकी बनी होगी? तो प्राथमिक परत जो होगी वह कैल्शियम की बनी होगी। किसकी बनी होगी? कैल्शियम की बनी होगी। लेकिन अगर मध्य की बात कीजिएगा तो प्रोटीन भी मिलेगा यहां पर, कैल्शियम वाला मटेरियल भी मिलेगा। ठीक है, यानी कि धीरे धीरे क्या होगा कि प्राथमिक लेवल से थोड़ा सा मजबूती आएगा किसमें? मध्य लेवल में। लेकिन अगर बात कीजिएगा द्वितीयक परत में, तो इसमें क्या हो जाएगा? ये लिग्निन की बनी होगी, लिग्निन की, सेलुलोज की, सेलुलोज की, या फिर जो इनसे अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलता है सुबोडीन, या सुबोडीन होगी। तो कहने का मतलब जितना बाहरी रूप में जितना अपशिष्ट पदार्थ पौधे बाहर की तरफ निकालते हैं वह सारा कुछ जाकर कहां स्टोर होगा? द्वितीयक परत में। कहां स्टोर होता है? द्वितीयक परत में। प्राथमिक परत क्या होता है कि सबसे इंटरनल वाला परत होता है, सबसे इंटरनल वाला परत होता है। और यह जो बनता है आपका किसका बना होता है? कैल्शियम का बना होता है। और मध्य भाग प्रोटीन का बना होता है। और सबसे लास्ट वाला सेलुलोज, लिग्निन है ना, या अन्य जितने भी हार्ड पदार्थ है सुबेडीन, गोंद, ये सब बाहर निकलता है। तो ये सभी जाके द्वितीयक परत में इकट्ठा होता है। ये कंफर्म है कि अंदर का कनेक्शन कराने के लिए आपका प्राथमिक काम करता है। तो बाहरी रूपों में सबसे ज्यादा आपकी सुरक्षा कौन देता है? द्वितीयक परत। क्लियर है फ्रेंड्स? अब जरा से इनके काढ़े के बारे में जान लेते हैं हम लोग। किसके काढ़े के बारे में? कोशिका भित्ति के काढ़े के बारे में, कि आखिर यह कोशिका के अंदर करता क्या है। अब इसके बारे में चर्चा करे ना करे तो भी ठीक है, क्योंकि ये तो पता है कि कोशिका भित्ति क्या करता होगा। कोशिका भित्ति सबसे बाहर है, तो पहला काम क्या होगा गेटमैन का? जो बाहर है उसका पहला काम क्या? तो पहला काम क्या होगा कि ये बाहरी रूप से सुरक्षा देना। पहला काम क्या हो गया हमारा? सुरक्षा देना, सुरक्षा देना। दूसरा काम क्या है कि दृढ़ता देना, मतलब कठोर बनाएगा। दृढ़ता का मतलब क्या होता है? कि कठोर बनाना। और सुरक्षा मतलब क्या? बाहरी आघातों से बचाना, बाहरी आघातों से बचाना। क्लियर है? उसके बाद क्या कि आपका कोशिका का आकार का निर्धारण करना, कोशिका का आकार फिक्स करना, कि कोशिका का आकार कितना बड़ा होगा, या कोशिका की आकार कौन फिक्स करेगा? तो कोशिका भित्ति फिक्स करेगा। क्योंकि अब यहां पे कोशिका भित्ति सबसे बाहरी परत थी। जैसे हम लोग के शरीर में कोशिका का आकार निश्चित कौन करता है? तो कोशिका झिल्ली। लेकिन इसके अंदर कोशिका का आकार निश्चित कौन करेगा? कोशिका भित्ति। क्योंकि कोशिका भित्ति क्या होती है? सबसे बाहरी परत के रूप में होती है। क्लियर है फ्रेंड्स? तो ये थे आपके कोशिका भित्ति के कार्य। तो इस तरह से कोशिका भित्ति सबका क्लियर हो गया होगा। यह सिर्फ पौधों में पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर है सबको? अगर क्लियर है तो हम देखते हैं कि अगले क्वेश्चन की तरफ, मानी कि अगला क्या है हमारा? जीव द्रव्य के बारे में जानना हम लोग को। ठीक है, किसके बारे में? जीव द्रव्य के बारे में। चलिए तो अब हम लोग चर्चा करते हैं किसके बारे में? जीव द्रव्य के बारे में। अब जरा एक बार फोटो से समझिए तो समझ में आएगा कि जीव द्रव्य। अब पढ़ना क्या है, क्या क्या स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ लिया है, अब इसे जरा एक बार फोटो से समझिए। ये सबसे बाहरी दीवार है, ये सबसे बाहरी दीवार है, और ये जो सबसे बाहरी दीवार है ये हमारी क्या है? कोशिका भित्ति है। क्या है? कोशिका भित्ति, अर्थात कोशिका की सबसे बाहरी परत, कोशिका की सबसे बाहरी परत कोशिका भित्ति। लेकिन ध्यान रखना है कि यह सबसे बाहरी परत सिर्फ पौधों के लिए होगी। अगर हमारे शरीर की बात कीजिएगा तो हमारे शरीर की सबसे बाहरी परत कौन सी है? कोशिका झिल्ली। हमारे शरीर की सबसे बाहरी परत कोशिका झिल्ली है, ठीक है। लेकिन पौधों के शरीर की सबसे बाहरी परत की अगर बात कीजिएगा तो वो क्या आपका? कोशिका भित्ति है। क्लियर है? अब कोशिका भित्ति के अंदर जब हम देखेंगे
तो बीच में एक काला सा पार्ट हमें दिखाई पड़ता है जिसे हम लोग केंद्रक के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? केंद्रक के नाम से जानते हैं। केंद्रक के अंदर एक और छोटा सा पार्ट हमें बिल्कुल काला सा दिखाई पड़ता है जिसे हम लोग केंद्रिका के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? केंद्रिका के नाम से जानते हैं। अब क्या हो गया कि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे द्रव मिलेंगे जो चारों तरफ बिखरे हुए होंगे। अलग अलग संरचनाएं हमें अलग अलग रूप में, अलग अलग आकार आकृति के हमें संरचनाएं इसके अंदर देखने को मिलने वाली है। किसके अंदर? तो इसी भाग के अंदर, किसके? कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में बहुत सारी संरचना आपको देखने को मिलेगी। तो क्या कहता है कि कोशिका झिल्ली, ये सबसे अंदर ये वाला भाग, और ये केंद्रक, इनके बीच का जो मटेरियल है उसे हम लोग कहते हैं क्या? तो इसे कहते हैं कोशिका द्रव्य। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य। ठीक है, अब क्या हो गया जरा ध्यान से समझिएगा। ये केंद्रक वाला हिस्सा हो गया, तो केंद्रक के अंदर हमें क्या मिलेगा? केंद्रक में पाया जाने वाला द्रव्य, केंद्रक द्रव्य। अब जरा जो गौर कीजिएगा, केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य दो अलग अलग चीजें हैं। अब क्या होती है कि यह केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य जब दोनों एक साथ जब मिल जाएगी, तो यह दोनों एक साथ मिलने के बाद यह कहलाता है जीव द्रव्य। क्या कहलाता है? जीव द्रव्य। क्यों? क्योंकि वास्तव में एक जीव की संपूर्ण संरचना जो कोशिका की पाई जाती है, जिनसे पूरे बॉडी की कोशिका रन करती है, वह पार्ट हमारा क्या है? जीव द्रव्य है। जैसे हेड ऑफ डिपार्टमेंट कोशिका का कौन पाया जाता है? केंद्रक। केंद्रक ही सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है, ठीक है। और इस केंद्रक को और कोशिका द्रव्य को अगर मिला दीजिएगा तो मिलकर बना देगा क्या? जीव द्रव्य, जो किसी भी कोशिका के अस्तित्व के लिए जरूरी है। ठीक है, तो जीव द्रव्य हो गया। अब हमें जानना है पहले जीव द्रव्य के बारे में। किसके बारे में जानना है? जीव द्रव्य के बारे में। अब फोटो में देख लिए तो आसानी से समझ में आएगा कि जीव द्रव्य क्या होता है। तो जीव द्रव्य क्या कह सकते हैं हम लोग? हम सीधा कह सकते हैं कि कोशिका झिल्ली के अंदर पाए जाने वाले केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य दोनों के सम्मिलित रूप को हम क्या कहेंगे? जीव द्रव्य कहेंगे। सीधा शब्दों में क्या कह सकते हैं कि जीव द्रव्य इज इक्वल टू कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य आप प्लस में क्या? केंद्रक द्रव्य। कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक द्रव्य, क्लियर है। अब कोई पूछ दे कि अब कोशिका द्रव्य क्या होता है, तो इसके बारे में बात करेंगे हम। लेकिन सबसे पहले बात ये जानी है कि जीव द्रव्य के अंदर जो यह कोशिका द्रव्य है, तो कोशिका द्रव्य के अंदर तो बहुत सारी संरचना आपको दिख रही है, तो इन संरचनाओं को हम क्या कहते हैं? तो कहता है, ध्यान से समझिएगा, कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली संरचनाएं, जो संरचनाएं पाई जाने वाली जाती है उसमें पाए जाने वाली संरचनाएं किस नाम से जानी जाती है? संरचनाएं कोशिका अंगक कहलाती है। क्या कहलाती है? कोशिका अंगक कहलाती है। क्लियर है आप लोगों को? क्या कहता है कि कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली जो संरचनाएं है छोटी छोटी, इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो कोशिका अंगक कहते हैं। कोशिका के अंग वाला पार्ट, अंग से जो छोटा हो उसे अंगक। तो इसके अंदर अंग कौन कौन से है? कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, केंद्रक, ये सभी अंग है। लेकिन इसके भी छोटा टुकड़ा जिसे हम लोग किस नाम से जानेंगे? कोशिका अंगक के नाम से जानेंगे। क्लियर है सबको? तो बहुत सारी छोटी छोटी संरचनाएं इसमें शामिल होती है और इन संरचनाओं को हम कोशिका अंगक के नाम से जानते हैं। बात यह आती है कि इस कोशिका अंगक में क्या क्या शामिल होगा, तो इसमें सब शामिल होते हैं जो इनके बीच आएगा, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद क्या? इसके अलावा आपका लाइसोसोम, लाइसोसोम,
उसके बाद राइबोसोम, उसके बाद गोल्जी काय, एसीआर, आरईआर, ये बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो इनके अंदर पाए जाते हैं, और ये सभी स्ट्रक्चर इंडिविजुअल क्या कहलाएंगे, कोशिका अंगक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कोशिका अंगक। बात समझ में आ रही है आप लोग को? तो अभी हमने जीव द्रव्य के बारे में जाना कि जीव द्रव्य क्या वास्तव में कोशिका द्रव्य और केंद्रक का रूप है, और कोशिका द्रव्य के अंदर हमने जाना कि कोशिका द्रव्य के अंदर बहुत सारे अंगक पाए जाएंगे। अब बात आती है कि कोशिका द्रव्य का कोई परिभाषा आपसे पूछ दे कि बताइए कोशिका द्रव्य किसे कहते हैं, आप जानते हैं तो बताइए किसे कहते हैं कोशिका द्रव्य, तो क्या कहिएगा कि अंदर द्रव वाला पदार्थ है उसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं? ऐसा तो आंसर ही नहीं होगा आपका। तो बात करते हैं कोशिका द्रव्य को अगर डिफाइन करने की अगर हम कोशिश करें तो कोशिका द्रव्य को हम क्या डिफाइन कर सकते हैं? कर सकते हैं कि कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच जो भी द्रव्य पदार्थ मिलेगा हमें, केंद्रक के बीच जो भी द्रव्य मिले, जो भी द्रव्य प्राप्त हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग कहेंगे कोशिका द्रव्य। क्या कहेंगे उसे? कोशिका द्रव्य। मतलब क्या? सबसे बाहरी कवर कोशिका झिल्ली, आप यहाँ पे कोशिका झिल्ली की जगह पे कोशिका भित्ति भी हो सकती है क्योंकि अभी बाहर पड़त है, लेकिन ध्यान रखिएगा जब कोशिका भित्ति लिखिएगा तो कोशिका झिल्ली इसी में आ जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा क्योंकि कोशिका झिल्ली तो अपने आप में अलग पार्ट है। तो आंसर आपका हमेशा रखिएगा कोशिका झिल्ली और इसके अंदर वाला जो केंद्रक है, इनके बीच में जो भी द्रव्य हमें मिलेगा वह क्या कहलाएगा? हमारा कोशिका द्रव्य कहलाएगा। और कोशिका द्रव्य के अंदर छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती है, इन संरचनाओं को हम क्या कहते हैं? कोशिका अंगक कहते हैं। क्लियर है? और केंद्रक के संरचना के अंदर बात कीजिएगा तो केंद्रक में एक केंद्रिका पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक केंद्रिका पाया जाता है। और केंद्रक में क्या पाया जाता है? तो और केंद्रक के अंदर गुण सूत्र मिलते हैं हमें। क्या मिलते हैं? गुण सूत्र मिलते हैं। इन सभी के बारे में जानकारी हमें अलग अलग प्राप्त करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने क्लियर कर लिया पहले कोशिका द्रव्य। अब कोशिका द्रव्य के अंदर, हमने कोशिका द्रव्य तो जान लिए, अब इनके अंदर पाए जाने वाले अंगक को एक एक करके हमें जानना है। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे छोटी संरचना जो केंद्रक के पास पाई जाती है, छोटी संरचना जिसे हम लोग सेंट्रोसोम कहते हैं, ये ध्यान से देखिएगा संरचना दिख रही है आप लोग को, ये डार्क कर देते हैं थोड़ा सा, ये संरचना कहलाती है सेंट्रोसोम। क्या कहलाती है? सेंट्रोसोम। यह सेंट्रोसोम अलग अलग रूप में हो सकता है, दंडाकार हो सकता है, ठीक है, या फिर आपका अलग अलग फॉर्म में आपका यह हो सकता है सेंट्रोसोम। ध्यान रखिएगा कि सेंट्रोसोम के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे दाने आपके इसमें फैले रहते हैं, बिखरे रहते हैं, जिससे हम लोग कहते हैं सेंट्रियोल। क्या कहते हैं? सेंट्रियोल। ये ज्यादा अस्पष्ट रूप से कब दिखता है हमें? जब कोशिका का विभाजन होता है, क्योंकि कोशिका जब विभाजित होती है तो पहले केंद्रक टूटती है, और केंद्रक के टूटने के साथ ही हमारा सेंट्रोसोम टूटता है, और सेंट्रोसोम जब टूटेगा तो पहले दोनों केंद्रक तक सबसे पहले भाग के ही जाएगा कि हम इधर जाएंगे, ये को कहेगा कि हम इधर जाएंगे। बात समझ आ रही है? मतलब क्या? सेंट्रोसोम केंद्रक के समीप पाया जाने वाला एक सूक्ष्म कोशिका अंगक है। यह आपका स्पष्ट रूप से दिखाई कब पड़ता है? जब समसूत्री विभाजन हो, जब कोशिका का विभाजन हो, कोशिका जब टूटे, तो उस कंडीशन में हमें क्या दिखाई पड़ता है जी? स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। ठीक है, अगर आप आधुनिक रूप में इसके बारे में विचार करेंगे तो कह सकते हैं कि सेंट्रोसोम जो है आपका यह आरएनए से बना हुआ है, आप कह सकते हैं प्रोटीन से भी बना है, आप कह सकते हैं कि इसमें डीएनए की मात्रा भी हमें मिलेगी, तो हम आधुनिक रूप में कह सकते हैं इन सभी चीजों से मिलकर हमारा सेंट्रोसोम बना है। क्लियर है सबको सेंट्रोसोम के बारे में? मतलब क्या? सेंट्रोसोम एक सबसे छोटी संरचना थी जिसे मैंने सीधा ही ब्रीफ करके बता दिया आपको।
आशा सेंटोसोम क्लियर हो गया होगा, ये छोटा था ही इसलिए इसके बारे में छोटा ही जानना था। अब जरा जान लेते हैं इसके दूसरे कोशिकांग के बारे में, ये फोटो रहने देते हैं ताकि स्ट्रक्चर आप साथ ही साथ समझते चलिएगा। अब जरा समझ लेते हैं आगे अगले स्टेटस के बारे में, और अगला हमारा जो कोशिका अंगक है उसके बारे में लोग जानेंगे, अंतःप्रद्रव्यी जालिका के बारे में। ठीक है, देखिए क्या होता है, देखिए आज जानेंगे हम लोग इसके बारे में, अंतःप्रद्रव्यी जालिका के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? अंतःप्रद्रव्यी जालिका। आप कुछ देर के बाद यह महसूस कीजिएगा कि इंग्लिश में नाम याद करना कितना मुश्किल हो जाता है, हिंदी में नाम याद करना, इंग्लिश में याद करना आसान और आपका हिंदी में नाम याद करना मुश्किल होता है, क्योंकि जनरली बायोलॉजी के अंदर जितने टर्म आपको इंग्लिश में याद रहेंगे उतना बेहतर रहेगा। इंडोप्लाज्मिक रैक्टिकुलम, ठीक है, रैक्टिकुलम, ठीक है। तो इंडोप्लाज्मिक रैक्टिकुलम जो है, जिसे शॉर्ट में हम लोग ईआर कहते हैं, शॉर्ट में क्या कहते हैं, ईआर। इसको सबसे पहले नामकरण की अगर बात कीजिएगा तो 1952 में, 1952 में पोर्टर और एक और वैज्ञानिक थे क्लोमेन, एक और इनके वैज्ञानिक थे इनके साथ में, उनका नाम तो क्या था, क्लोमेन। ये दोनों वैज्ञानिक, दोनों फ्रेंड ने मिलके 1952 में इसका नामकरण किया कि यह अंतःप्रद्रव्यी जालिका होगी। ध्यान रखिएगा, ये भी आपका क्या होता है कि कोशिका झिल्ली और आपका केंद्रक, इनके बीच में ये वाला पार्ट आपका शिश्रनकार का, ये वाला पार्ट जो होता है आपका क्या कहलाता है, अंतःप्रद्रव्यी जालिका, अंतःप्रद्रव्यी कहलाता है। ठीक है, अब जरा गौर कीजिएगा यहाँ पे, इन्होंने पोर्टर और आपका पोर्टर और कॉलमैन ने क्या कर दिया, 1952 में इसका नामकरण कर दिया। तो वास्तव में यह रोल क्यों ज्यादा हो जाता है, ये तब समझ में आएगा जब हम इसका पाठ करेंगे, क्योंकि जो आपका अंतःप्रद्रव्यी जालिका है यह दो प्रकार के होते हैं, और दो प्रकार में कौन कौन, एक कहलाता है एसईआर और एक कहलाता है आरईआर। ईआर का मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एस का मतलब होता है स्मूथ, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक हो गया आपका रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो याद रखना, एक को खुरदरा कहते हैं और एक को हम चिकना कहते हैं। तो जड़ जान लीजिए थोड़ा सा, खुरदुरा के बारे में पहले समझ लीजिए, चाहे पहले चिकना ही समझ लीजिए। देखिए ध्यान से, ये दोनों स्ट्रक्चर कैसे कैसे होते हैं, एक तो बिल्कुल प्लेन होगा, बिल्कुल प्लेन होगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या होगा, ये प्लेन रहेगा लेकिन प्लेन के ऊपर छोटे छोटे आपके प्रॉपर जैसे धब्बा की तरह निकला रहेगा, ऐसे धब्बा की तरह निकला रहेगा, जिससे हम लोग क्या कहेंगे, जिससे हम लोग कहते हैं राइबोसोम। क्या कहते हैं? राइबोसोम। पता है ज्यादा छोटा है, दिख नहीं रहा होगा आप लोग को राइबोसोम, जूम कीजिए, दिख रहा है आपको, जूम कीजिएगा तो दिखेगा आपको। ठीक है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो पहले स्मूथ के बारे में जानते हैं, ये इसका सरफेस जो होता है चिकना होता है, यह इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, इंडोप्लाज्मिक का चिकना भाग होता है। भाग है जो क्या करेगा भाई, जो एंजाइम्स का श्रवण करता है, जो एंजाइम्स देता है। अब एंजाइम्स ये क्या करता है, एंजाइम्स देता है, और ये एंजाइम क्या कर देगा कि शरीर के अंदर वसा या लिपिड को या क्या करेगा, स्टोर करेगा वसा लिपिड्स, या फिर सीधा हम कहें कि कोलेस्ट्रॉल को भी इकट्ठा करेगा। किसको स्टोर करेगा? कोलेस्ट्रॉल को, या जितने भी आपके। तो क्या हो गया आपका, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हो गया आपका क्या कि इसमें वसा और लिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा करेगा, यानी कि इसका रोल क्या होगा, वसा या लिपिड्स या फिर हम कहें कि कोलेस्ट्रॉल, ये स्टोर करने का काम किसका है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है आपका यह खुरदुरी अंतःप्रद्रव्यी जालिका। यह नाम रफ है लेकिन काम भी इसका टफ है। ठीक है, यह रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, यह जो खुरदुरा है इसमें राइबोसोम पाया जाता है। यह खुरदुरा वाला जो भाग होगा उसमें क्या मिलेगा, हमें
राइबोसोम्स मिलेंगे। यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर बताया ना, ये काला काला सा, ये राइबोसोम्स है। और राइबोसोम का मेन काम क्या होता है ये आपको पता है, कि ये प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा, प्रोटीन का संश्लेषण करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। अब प्रोटीन यहाँ पे संश्लेषित होगा तो समझिए कि आपके शरीर का कितना इंपोर्टेंट हिस्सा काम करेगा। मतलब क्या, सीधी सी बात है कि प्रोटीन का संश्लेषण करने का काम रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन काम क्या हो जाएगा, कि यह वसा को, लिपिड्स को, कोलेस्ट्रॉल को, जितने चिकना वाले मटेरियल्स हैं उनको स्टोर करने का काम करता है। क्योंकि यहाँ पे एंजाइम्स का स्राव होता है, और एंजाइम्स की स्राव की वजह से यह इन चीजों का स्राव कर पाता है। और रफ में क्या पाया जाता है, राइबोसोम्स उसके ऊपर प्रबर्ध के रूप में रहते हैं। तो जैसे उधर से प्रोटीन आता है तो प्रोटीन को अपने तरफ क्या करता है, इकट्ठा करता है, और इकट्ठा करके एक चैन बनाएगा जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटीन का संश्लेषण कहते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? तो आशा है कि आपको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सेंट्रियोल अर्थात सेंट्रोसोम के बारे में क्लियर हो गया होगा। हम लोग अगले क्लास में आगे जानेंगे इसके अंतःप्रद्रव्य जालिका के, आगे हम लोग अन्य कोशिका अंग के बारे में अगले क्लास में जानेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।